हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इस समय सुबह के 9:30 हो रहे हैं और मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। आज थोड़ा ठंडी कम हो गया है, आज मैं स्वेटर नहीं पहनूंगा, तट पे ही जाऊंगा। और आज धूप बहुत अच्छा खिला हुआ है, मौसम एकदम प्लीजेंट लग रहा है। दोस्तों आज संडे है, फिर भी वो पढ़ाई कर रही है मोबाइल के साथ। पापा मुझे ऐसा क्रैम्स दोगे मेरे बर्थडे में? हाँ बर्थडे में दूंगा, बर्थडे अभी 1 साल बाद है। हाँ तो चाहिए मुझे ऐसा। ठीक है डन। कितने रुपए का मिलता है ये तो बता दे, जितने रुपए का मुझे नहीं पता। हाँ तो जो सबसे अच्छा होगा वही दूंगा। ठीक है 3 रुपीस का है, इसमें लिखा है 3। देखो ना इतना ही बड़ा है, देखो इसमें कलर्स भी हैं कितने मस्त मस्त बड़े बड़े, देखो यार। ओके ये देखिए दोस्तों, आज सुबह सुबह पूरी बन रही है मेरे घर पे, ये मेरे टिफिन में रहेगा। दोपहर में मैं ऑफिस में लंच करूंगा इस पूरी का। भी उधर कूद रही है अभी अभी, ये डायरेक्ट ब्लॉगिंग नहीं करती है, केवल कूदती है। ये देखो, तो आज हम लोग एक चैलेंज खेलने वाले हैं, ओड़ा पाव चैलेंज। ये ब्रेकिंग न्यूज है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आज हम लोग खेलेंगे ओड़ा पाव चैलेंज। तू खेलेगी? हाँ। देखो ओड़ा पाव चैलेंज के लिए अभी रेडी है। अरे ब्रेड खराब है, तुरंत टूट जाएगा। हाँ चलो देखते हैं अभी क्या होता है। आज इधर ओड़ा पाव चैलेंज स्टार्ट हो गया है, आपको दिखाता हूँ। इधर पीयू ऑलरेडी अपना चैलेंज लेके बैठ गई है, वो स्टार्ट है। तो इधर ओड़ा पाव खा रही है, अभी चैलेंज शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आधे टाइम ओड़ा पाव ले लिया, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था कुछ लाए हुए, तो मैं सोचा आज ओड़ा पाव लेके जाता हूँ। तो ओड़ा पाव आज हम लोग खा रहे हैं अभी, इसके बाद फिर खाना भी बन रहा है, खाना खाएंगे। ये देखिए दोस्तों ओड़ा पाव है और ये मीठा वाला है पीयू के लिए। तो दोस्तों वड़ा पाव अभी खा लिया है, बहुत तीखा था, हालत खराब हो रही है। ओ माय गॉड दोस्तों, इतना ब्रेड छोड़े, मुझे इनका सारा ब्रेड खाना पड़ा। दोस्तों अभी बहुत तीखा था, मेरा तो पूरा जीभ जल गया, तो मैं खा भी नहीं पा रही थी। पापा तो सारा ब्रेड छोड़ दिए, जिसमें तीखी वाली चटनी भी थी ना, वो भी मुझे खाना पड़ा। दोस्तों अभी हम लोग हेलमेट चैलेंज खेलेंगे। ये तो जान ही जाएगी मैं हूँ, क्योंकि इसे तो इतना तेज मारेगा नहीं इसको। इसे तो गलत, इसे इतने मारे। तो दोस्तों ये देखिए हेलमेट चैलेंज हो गया है खेल यहाँ पे, क्योंकि एक ही है पीयू, और पीयू के साथ हेलमेट चैलेंज कैसे खेला जाए, क्योंकि यही मारेगी तो मुझे तो पता चलने वाला है कि पीयू ही मार रही है। तो दो लोगों में हेलमेट चैलेंज नहीं हो सकता दोस्तों, ये मेरी मजबूरी है। दोस्तों मैं बैठ जाता हूँ इधर, क्योंकि मेरा हाइट ज्यादा है इसलिए इसी और पीयू मुझे मारेगा। चल हेलमेट में मार दे। दोस्तों ये पूरा रॉन्ग जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेंबर लोग कम है, मैं हूँ इसी से पीयू ही है। तो ये पूरा हो गया फेल। अब पीयू ही पीछे है तो पीयू का ही नाम आएगा ना दोस्तों। ये चैलेंज हो गया फेल। तो दोस्तों अभी मैं हेलमेट चैलेंज खेल रहा था जो कि हो गया फेल, क्योंकि दो ही लोग खेल रहे हैं, मैं और पीयू, तीसरा कोई है ही नहीं। अगर ये मुझे मारेगी मुझे तो पता चल जाएगा कि पीहू मार रही है, या मैं पीहू को मारूंगा तो पीहू डायरेक्ट बोलेगी कि हाँ मैं मार रहा हूँ। इसलिए दो लोगों में हेलमेट चैलेंज नहीं हो सकता, इसके लिए चाहिए 5 से 6 लोग। अब 5 से 6 लोग होंगे मेरे घर पे तब मैं ये चैलेंज खेलूंगा दोस्तों। गाँव में, गाँव इसी तो अभी छोटा है, इसके साथ तो हो नहीं पाएगा। गाँव में हम सब खेलेंगे। ये देखिए दोस्तों इसीत क्या कर रहा है, इसीत इधर रात के 12 बजे भी खेल रहा है, चेयर घुमा रहा है। ये देखिए ये देखिए,
टोलने की कोशिश कर रहा है बच्चा, देखो दूसरे रूम में चला गया। ये देखो इसित, इशीट सोएगा नहीं, पूरी रात ऐसे खेल रहा है। देखिए रात के 12 बज रहे हैं लेकिन नहीं खेल रहा है। इसकी चड्डी बहुत बड़ी है। चड्डी तुम्हारी बड़ी है, चड्डी बड़ी है। अभी कुर्सी को छोड़ा तो अभी साइकिल के पीछे पड़ गया। ये देखो बहुत तेज है, बहुत एक्टिव है। ओ माय गॉड, ओ गिर गई, गिर भी। ये देखो ये आधा सो रही आधा उठ गई है, सो भी रही उठ भी रही। तो दोस्तों ब्लॉग रेडी हो गया है, अब हम लोग जा रहे हैं सोने क्योंकि इस समय रात के 12 बज रहे हैं और प्रियू अभी जग रही है, इसीत भी जग रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।